आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ग्राम मोइदा में प्रथम बार संगीतमय भागवत कथा सप्ताह का हुआ आयोजन। रविवार समापन के दौरान भंडारा प्रसादी कार्यक्रम में 3,000 से 4,000 श्रद्धालु हुए शामिल। ग्राम मोइदा में आयोजित संगीतमय भागवत कथा सप्ताह का रविवार को समापन हुआ। आयोजन के शुभारंभ पर प्रथम दिवस ग्राम के मुख्य मार्ग से कलश यात्रा कथा स्थल तक निकाली गई। संगीतमय भागवत कथा का वाचन बनारस से पधारे श्री बलराम पांडे महाराज द्वारा किया जा रहा है। ग्राम के समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजन सफल रूप से संपन्न हुआ। भागवत कथा के दौरान भगवान कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र के वर्णन के दौरान सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। आयोजक मंडल समिति के सदस्य आनंद चौधरी ने बताया, ग्राम में प्रथम बार आयोजित कथा का यकायक ही योग हुआ। एक ही दिन की योजना के दौरान सभी ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजन संपन्न हुआ। भंडारा प्रसादी कार्यक्रम में लगभग 3,000 से 4,000 श्रद्धालु शामिल रहे। पान से बल से सतीश केवट की रिपोर्ट। ग्राम मोइदा में काशी से आए हुए ब्राह्मण लोगों द्वारा प्रथम बार आयोजन हुआ, पर हमारे यहाँ के लोगों ने तुरंत तैयारी करके प्रथम बार आयोजन को बहुत अच्छी रूपरेखा देके भगवान की कृपा से बहुत व्यवस्थित आयोजन हुआ। इसमें 7 दिवसीय आयोजन में रुक्मिणी कृष्ण विवाह हुआ, बालोत्सव हुआ और सुदामा चरित्र हुआ, और इसी के साथ आज महाप्रसादी का भंडारा 3,000 से 4,000 लोगों का हुआ।